The Saffron Party's Lok Sabha manifesto, which was released today in the presence of the top brass of the party in the national capital, stressed on the development of the country through the medium of latest technology. According to senior BJP leader, a very strong science and technology policy has been proposed in the manifesto. BJP's Kanpur candidate Joshi, during the launch of the manifesto, believes that science and technology should have a motto of India innovates, India leads. इंडस्ट्री को मॉडर्न, कॉम्पिटिटिव एंड केयरिंग करना होगा और इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का एक नारा होना चाहिए, इंडिया इनोवेट्स, इंडिया लीड्स। भारत नए नए आविष्कार करता है और दुनिया का नेतृत्व करता है। पहले हम करते रहे ये काम, हमारे ही ब्रांड्स दुनिया में थे, आज फिर से हमें इसकी तरफ कोशिश करनी है और इसके लिए एक बहुत मजबूत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी हमने इसमें प्रस्तावित की है। उसके खर्चे कैसे होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, उसका भी पूरा उल्लेख किया है, विस्तार से दिया है। और ये साइंस टेक्नोलॉजी ये किस तरह से स्किल बढ़ा सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकती है, उसका पूरा इसके अंदर उल्लेख किया है। Joshi said he feels health care is every citizen's constitutional right, so BJP will make changes in old scheme accordingly and will make a new health policy which was never made under Congress regime. फसल एक ड्रॉप में कितनी बढ़ सकती है उसका चिंतन करते हुए सिंचाई के नए साधन जिसमें कम पानी का उपयोग हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज में आज लगभग 78% खर्च हर आदमी अपने स्वास्थ्य के ऊपर खुद करता है, आउट ऑफ पॉकेट करता है, और ज्यादा से ज्यादा जो उसको सहायता मिलती है वो 20% की मिलती है। तो इसको ये एक तरह से गलत है। स्वास्थ्य सुरक्षा हर व्यक्ति को एक नैतिक और उसके जीवन का मूलभूत अधिकार है, तो इसको हम बदलेंगे। और उसकी दृष्टि से ये कहा गया है कि एक तो नई हेल्थ पॉलिसी बनाएंगे जो 2002 के बाद बनी नहीं। दिस रिपोर्ट वाज़ ब्रॉट टू यू बाय NNIS।